हेलो नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंजन स्टडी 85 में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका ही जो चल रहा था चैप्टर शीतलन प्रणाली। कौन सा दोस्तों? शीतलन प्रणाली। तो शीतलन प्रणाली में हमने पढ़ा था एयर कूलिंग सिस्टम। क्या? एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ी। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे हम देखें कि इसमें मेंटेनेंस खर्चा नहीं आता, इसके लिए कोई वाटर स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती, ये इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, जल्दी कार्यकारी तापक्रम पर आ जाते हैं, इनका जो कूलेंट नहीं डाला जाता, इसका ठंडे प्रदेशों में कोई कूलेंट जमने की संभावना भी इसमें नहीं रहती। पर तो इसकी कुछ दुविधा भी होती है, क्योंकि ये इंजन जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, ये इंजन ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। इंजनों में गर्म हो जाने के बाद प्री इग्निशन डेटोनेशन, ये कुछ समस्याएं संभावित होती है। तो चलो मैं आपके लिए आज का नेक्स्ट जो चैप्टर था शीतलन प्रणाली, उसके संबंधित कुछ बातें करें। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक आपके संदेश देना चाहता हूं कि जीने की राह में मैं हर रोज उम्मीद बोता हूं, मैं तो एक अभी कम्पिटिटिव हूं, मैं कहां आराम से सोता हूं। तो दोस्तों जब तक हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक हमारी आईटी कंप्लीट नहीं हो जाए, कहीं रोजगार नहीं मिल जाए, तब तक हमें डट करके मुकाबला करना है और हमेशा पढ़ाई करते रहना है। तो शीतलन प्रणाली में हम बात करें वाटर कूलिंग सिस्टम, इसको कहते हैं जल शीतलन प्रणाली। अब यहां मैं आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। एक मैंने बताया था एयर कूलिंग, एक बताया था वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग को कहते हैं डायरेक्ट और इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट, मतलब कि एयर कूलिंग को बोला जाता है प्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम। क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम। और वाटर को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कूलिंग प्रणाली। तो यहां से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने इसको ध्यान में रखना। अब आगे हम इसको डिवाइडेशन कर देते हैं इसका दो भागों में। एक आता है थर्मोसाइकल और एक आता है बल्कर या पंप सर्कुलेशन प्रणाली। तो थर्मोसाइकल क्या है और पंप सर्कुलेशन क्या है, हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोसाइकल। थर्मोसाइकल में हमें क्या लगाना पड़ता है? एक बड़ा रेडिएटर लगाना पड़ता है। तो रेडिएटर में क्या क्या भाग होते हैं दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको लिखेंगे लोअर टैंक, इसको लिखेंगे अपर टैंक, ये ऊपर आ जाएगा इसका प्रेशर एंड वैक्यूम कैप। यहां कुछ नलियां बनी होती है, ये रेडिएटर के प्रकार पे निर्भर करती है, ट्यूबलर टाइप है या हनीकॉम टाइप। फिर भी हम इसको बना देते हैं, इसको लिख देते हैं फीस। यहां से एक हॉस पाइप निकलेगी, यहां मैं लगा देता हूं अपना इंजन। क्या दोस्तों? इंजन। इंजन में ये बना लिया अपने सिलेंडर। क्या बना लिया? पूरा डायग्राम आपने ध्यान रखना है, कहीं भी आपको ड्रॉइंग में फ्री हैंड स्केच आ सकता है या थ्योरी में भी आपको पूछ सकता है। यहां से एक पाइप आ गई ये। अब इसमें ये कार्य कैसे करेगा? तो हमें पता है एक नियम है कि गर्म पानी क्या होता है? हल्का होता है। और ठंडा पानी क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। जैसे ही हम बड़े टैंक से जब पानी लेते हैं, हमें पता है कि जब ऊंचाई पर हमारा कोई टैंक रखा हो तो नीचे प्रेशर के साथ पानी आता है। तो इसमें क्या होगा? दाब के साथ ठंडा पानी नीचे आएगा इन नलियों से होते हुए। ये क्या हो? होज पाइप। यहां से पानी इस सिलेंडर के चारों ओर की ऊष्मा ले लेगा। जैसे ही ऊष्मा लेगा, जल उष्मित होते ही यहां कौन सी विधि आ गई हमारी, जो पहले हमने पढ़ा था, सवन चालन और विकिरण। तो यहां हो रही है सवन वाली और एयर कूल्ड में हो रही थी चालन वाली। तो यहां समन्वित होते ही जल ऊपर चला जाएगा, हल्का होकर ऊपर। जैसे ही भारी जल का दाब पड़ेगा, ये पानी ऊपर से होता हुआ अपर टैंक में चला जाएगा।
अपर टैंक में आने के बाद इन नलियों से होता हुआ पानी आएगा नीचे की ओर। ये लगा के मैंने फिर यहाँ से क्या होगा, हवा को रोकूंगी, यहाँ लगा देता हूँ मैं क्या दोस्तों, ये किसका सिंबल होता है, पंखे का, पंखा हवा खींचेगा तो इनमें से हवा क्रॉस होगी तो ये नलियों से पानी ठंडा हो जाएगा, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, ठंडा पानी। इसके साथ ही यहाँ से भी उष्मा जाएगी, ये किसके द्वारा जाएगी, ये चालन के द्वारा यहाँ उष्मा आई और ये बाहर चलेगी, तो ये प्रक्रिया नियत बनी रहेगी। परंतु इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि जैसे एक बस, कार, जीप, ट्रैक्टर है जिसमें हमें बहुत बड़ा रेडिएटर बनाना पड़ता है ताकि पानी उसमें भरा पड़ा रहे, तो इसमें ज्यादा गति पे भी नहीं चला सकते, इंजन जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि या तो पानी जैसे गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं, कोई धकेल के कर रहा है, तो इस विधि का इस्तेमाल अपने कम करते हैं। आगे आता है पंप या बर्कर, यहां हमें बनाना है एक रेडिएटर। आपके डायग्राम याद रहने चाहिए वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया वैक्यूम एंड प्रेशर के, ये आ गया दोस्तों अपर टैंक और ये आ गए इसकी ट्यूब्स और ये आ गए इसके फिन्स, क्या आ गया दोस्तों, फिन्स। ये आ गया इसका लोअर टैंक, यहां से मैं कोस पाइप लूंगा, यहां लगा दूंगा मैं वाटर पंप। और वाटर पंप कौन से टाइप का होता है, इंपेलर टाइप, इंपेलर टाइप का होता है। यहां अपने भी वही स्थापित कर दिया हमारा इंजन और इंजन में वही लगा देते हैं अपने सिलेंडर, सिलेंडर लगा दिए, इसका संबंध कर दिया इंजन से, यहां से एक पाइप लगा दी, यहां मैंने लगा दिया वाल्व और यहां इसका कर दिया बाईपास, इसको बोलेंगे दोस्तों थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वाल्व, ये इसके आगे सिलेंडर, ये वाटर पंप आ गया। अब यहां आप ध्यान दें कि क्या होगा, जैसे ही इंजन चलेगा, यहां क्या वही पंखा लगा हुआ है हमारा, इंजन चलेगा तो इसके साथ लगा हुआ वाटर पंप भी चलेगा, ठीक है। वाटर पंप चलाने के लिए हम इसी की पुली का इस्तेमाल करते हैं। वाटर पंप चलाने से क्या होगा, जब घर में मोटर चलती है तो क्या होता है दोस्तों, पानी दाब के साथ आगे जाता है, तो वो रेडिएटर से पानी खींचेगा और दाब के साथ इन सिलेंडर में भेज देगा, लगातार मोटर चलती रहेगी, लगातार जैसे इंजन स्टार्ट रहेगा तब तक इंजन पंप चलता रहेगा, पंप चलेगा, यहाँ की उष्मा ली और जितना भी गर्म हुआ वो ऊपर बाहर निकास हो जाएगा। इस तरह से ये सर्कुलेशन नियत विधि में चलता रहेगा। यहाँ कुछ मैंने दो चीजें नहीं लगाई है, एक तो लगाया वाटर पंप और एक मैंने लगाया थर्मोस्टेट वाल्व। अब वाटर पंप का काम था उच्च दाब के साथ पानी को आगे भेजना ताकि इंजन को किसी भी गति, आजकल जितने भी इंजन आए हैं जैसे कार कोई भी साधन है सभी में क्या होता है, ऐसा छोटा रेडिएटर लगाया जाता है, इसमें ज्यादा हमें स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। अब बात होती है इसमें भरा क्या जाता है, हम तो भरते हैं इसमें पानी, बल्कि इसमें भरा जाना चाहिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, ये ग्लिसरीन, एल्कोहल, पानी आदि का एक मिश्रण होता है। इसको मिश्रण बनाने से क्या फायदा होता है कि जैसे पानी का जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री और उबाल होता है वो होता है 100 डिग्री। अगर हम ये मिश्रण बना दें, इन सभी का एक मिश्रण बना दें, तो इसका जमाव बिंदु माइनस में चला जाएगा और उबाल बिंदु प्लस 100 से ऊपर चला जाएगा, तो हमारी गाड़ी कितनी भी गति पर चले हमारा इंजन बॉयल नहीं होगा, ओवरहीट नहीं होगा। दूसरा, अगर हम ठंडे प्रदेश में भी चले जाएं तो हमारा रेडिएटर में पानी का जमाव नहीं होगा। आगे देखें, इसमें मैंने लगाया एक थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो एक वन वे वाल्व होता है। ये क्या काम करेगा दोस्तों, जैसे ठंडे प्रदेश में या ठंडे मौसम में गाड़ी स्टार्ट कर ले, हम गाड़ी को कब रनिंग पोजिशन में मानते हैं, जब गाड़ी थोड़ी सी टेम्परेचर एक दिया होता है ऐसे, इस टेम्परेचर में जैसे नॉर्मल पहुंच जाए, ये एक लो होता है ये हाई होता है, नॉर्मल पहुंच जाए उसके बाद ही गाड़ी को स्टार्ट आगे रनिंग या लोड पे लेते हैं।
तो तब तक के लिए क्या होगा, अगर ये सीधा सर्कुलेशन चलता रहेगा ऐसा, तो क्या होगा, ठंड में पानी ठंडा है, इंजन भी ठंडा, तो ये ठंडा ही रहेगा, काफी टाइम लगेगा इसको सामान्य तापक्रम पर आने के लिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से इसको स्टार्ट किया तो यहाँ एक रास्ता बंद कर लेगा, ये पहले टाइप बैक्स टाइप कई प्रकार के होते हैं, तो ये रास्ता बंद कर लेगा, पानी को डायरेक्ट पंप में आने देगा। अब सर्कुलेशन बन गया यहाँ से सिलेंडर में, थर्मोस्टेट वाला और पंप, इतनी दूरी इसका सर्कुलेशन रहेगा। इस सर्कुलेशन से क्या होगा, पानी रेडिएटर से ठंडा आएगा नहीं और ये जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे ही पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो ये वाल्व खुल जाता है और पानी रेडिएटर में जाना शुरू हो जाता है, फिर ये आसानी से अपना कार्य कर सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतने, कल अपने पढ़ेंगे इसी वाटर कूलिंग जो सिस्टम है हमारा, वाटर कूलिंग सिस्टम, इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स अब हमने जैसे यहाँ लिया कि ये वैक्यूम एंड प्रेशर कैंप है, इसके बारे में पढ़ेंगे, अपर टैंक है, लोअर टैंक है, इसके फिन्स है, रेडिएटर के प्रकार है, होस पाइप है, वाटर पंप का पढ़ेंगे, थर्मोस्टेट वालों के प्रकार पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा था वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। और मेरे को ये होता है कि जितने ज्यादा ट्रेनिंग मेरे के सामने देखते हैं या ज्यादा कमेंट करते हैं, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें कि सर क्लास कैसी रही, अच्छी है, गलत है, जो भी हो आप मेरे को लिख के दो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर भी एक बार और कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।